आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। काशी का शूल टंकेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव ने गंगा को त्रिशूल से रोका, दर्शन पूजन से सभी मुरादें पूरी होती हैं। वाराणसी शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में जिस स्थान से गंगा उत्तरवाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती है, वहां है शूल टंकेश्वर का मंदिर। शूल टंकेश्वर महादेव भक्तों के समस्त शूल को हर लेते हैं। मान्यता है जिस तरह से माँ गंगा के शूल नष्ट हुए, उसी तरह शूल टंकेश्वर का दर्शन करने वालों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। काशी के दक्षिण में से मंदिर के घाटों से टकरा कर गंगा काशी में उत्तरवाहिनी होकर प्रवेश करती है। वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर दूर माधोपुर गांव में स्थित शूल टंकेश्वर महादेव विराजते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी, माँ पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ नंदी विराजमान हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माधव ऋषि ने गंगा अवतरण से पहले शिव की आराधना के लिए ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। गंगा तट पर तपस्या करने वाले ऋषि ने इस शिवलिंग का नाम शूल टंकेश्वर रखा। इसके पीछे धारणा यह थी, जिस प्रकार यहाँ गंगा का कष्ट दूर हुआ, उसी प्रकार अन्य भक्तों का कष्ट दूर हो। यही वजह है कि पूरे वर्ष तो यहाँ भक्त दर्शन को आते ही हैं, लेकिन अपने कष्टों से मुक्ति के लिए सावन में भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। पुराणों के प्रसंग के अनुसार गंगा अवतरण के बाद जब वह काशी में अपने रौद्र रूप में प्रवेश करने लगी, तो भगवान शिव ने काशी के दक्षिण में ही त्रिशूल फेंक कर गंगा को रोक दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल से माँ गंगा को पीड़ा होने लगी। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान शिव ने गंगा से यह वचन लिया कि वह काशी को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भी भक्त को कोई जलीय जीव हानि नहीं पहुँचाएगा। गंगा ने जब दोनों वचन स्वीकार कर लिए, तब शिव ने अपना शूल वापस लिया।